नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी नजीबाद को सौंपा ज्ञापन। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के बिजनौर जिलाध्यक्ष चौधरी वीर सिंह शहरावत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर नजीबाद में पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रमुख मांगों से संबोधित एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी नजीबाद ब्रजेश कुमार को सौंपा। जिला अध्यक्ष चौधरी वीर सिंह सहरावत ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसान विरोधी रवैया अपना रही है और किसानों का दमन करने में लगी है। प्रतिवर्ष लगातार लागत में वृद्धि हो रही है, लेकिन लगातार तीसरे वर्ष भी गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई, जिससे गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति संगठन उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का पुरजोर से विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि वह अपने इस फैसले को वापस लेकर किसान हित में गन्ने का मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करे, नहीं तो भारतीय किसान लोक शक्ति संगठन आंदोलन को मजबूर होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। विभिन्न मांगों के ज्ञापन को सौंपते हुए ज्ञापन में मोटा महादेव भागुवाला बाईपास की सड़क पर भी उन्होंने जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार को बताया कि रास्ते में स्टोन करेसरों के भारी वाहनों डंपर के द्वारा सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। पैदल व अन्य वाहन चालकों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है व धूल फांकनी पड़ती है। अगर जल्द से जल्द इस रास्ते को सही नहीं कराया गया तो किसान आंदोलन के लिए मजबूर होगा। ज्ञापन देने वालों में जिला महासचिव अजय पाल सिंह, राष्ट्रीय महासचिव जगन दालचंद, गजराज सिंह, नरेश सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार, विकास सिंह, पुष्पेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। नजीबाद से हमारे संवाददाता सोनू आदित्य की खास रिपोर्ट। ये आपका नाम? चौधरी वीर सिंह सहरावत, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति बिजनौर। क्या मामला है? मांग ये है, आज रात में प्रदेश सरकार ने गन्ने का मूल्य घोषित करा, 1 रुपया नहीं बढ़ाया 4 साल में। इतनी निराशाजनक बात आई है किसानों के लिए, अब किसान विरोधी सरकार मानी गई है। धरना चल रहा है 3 महीने से दिल्ली, तब भी 1 रुपये नहीं बढ़ाया, घोषित वही हो गया। जब ये उसी भाव को घोषित कर रहे थे तो 3 महीने हो गए मिल चलते चलते, उस पर डबल डबल क्यों कर रखा था? शुरू से उस रेट को घोषित कर देते, गन्ने का मूल्य घोषित नहीं होया। और जो है डीजल पेट्रोल पर पैसे बढ़ गए और गन्ना जो भुगतान है वो अभी तक नहीं हुआ, 3 महीने चलते हो गए अभी तक गन्ना भुगतान नहीं। और कोई समस्या? एक समस्या और, भागू वाले से और मोटे महादेव वाला जो बाईपास है, जो रास्ता जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है, इस पर आए दिन दुर्घटना हो रही है, धूल इतनी हो रही है लोगों को टीवी तक हो गई। उसमें जो स्टोन क्रेशर वाले है ना, ये इन्होंने रास्ता खराब करा है और ये पता नहीं किसे पैसे दे रहे हैं किसे नहीं दे रहे, कोई उसमें सुनवाई नहीं होगी। यदि वो रास्ता सही नहीं होया तो हम वो रास्ता जाम करके जो चक्का जाम करके और स्टोन क्रेशर का एक भी बड़ा वाहन वो रास्ते में नहीं गुजरने देंगे। ठीक है जी। हाँ, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, अध्यक्ष चौधरी वीर सिंह जी। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।